कोरोना संकट के बीच भारत में अनलॉक पार्ट टू चल रहा है। दफ्तर और कंपनियों में काम चल रहा है। आने वाले टाइम में सरकार कुछ और जगहों को छूट दे सकती है। ऐसे में कोरोना काल के बीच लखनऊ में छात्रों ने एक रोबोट बनाया है। दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना संक्रमण हालांकि को लेकर एक बेहतर ये बच्चों ने छात्रों ने बनाया है। साथ ही थर्मल स्कैनर का काम भी ये रोबोट करेगा। कोरोना संकट का सुपरमैन थर्मल स्कैनिंग करने वाला रोबोट। लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने इस रोबोट को बनाया है। एंट्री पॉइंट पर खड़े इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब इसके सामने से कोई गुजरता है तो वो पहले थर्मल स्कैनिंग करता है। मोबाइल नंबर के साथ साथ तबीयत के बारे में भी पूछता है। महज कुछ सेकंड के बाद पूछी गई डिटेल मशीन से प्रिंट होकर टेबल पर आ जाती है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो रोबोट एंट्री टोकन देगा, अगर बुखार है तो टोकन नहीं मिलेगा। रोबो है जो थर्मल स्कैनिंग करेगा। जो भी लोग इस यूनिवर्सिटी में आएंगे या किसी दूसरे भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आएंगे, इसको किसी भी शॉपिंग मॉल्स में लगाया जा सकता है, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर भी लगाया जा सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि कोई इंसान ही खड़ा होकर अपने हाथ में थर्मल स्कैनर लिए रहता है, लोगों की स्कैनिंग करता है, लेकिन बहुत से लोग उसमें से संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए अभी ये अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के लोगों ने ये रोबोट बनाया है जो थर्मल स्कैनिंग करेगा। इसके बाद आपका नाम पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और उसके बाद आपके लिए गेट पास निकलेगा। यहाँ से देखिए, मेरे लिए गेट पास निकला है, थोड़ी देर पहले मैंने किया था। रोबोट को बनाने में 80,000 रुपए की लागत आई है। कहा जा रहा है कि मार्केट में इसकी कीमत 1,00,000 रुपए तक हो सकती है। अमित सर से बात चल रही थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसा करा जाए जिससे ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ये स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरा हो सके। लॉकडाउन की वजह से पार्ट्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्रोसेस तो एक महीने पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन एक बार जब सारे पार्ट्स आ गए हमारे पास तो उसके बाद लगभग 5 से 6 दिन में बनकर तैयार हो गया था। कोरोना महामारी के बीच ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में। फिलहाल दफ्तर और कंपनियों में काम चल रहा है। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लाने की कवायद हो रही है जिससे सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। अब संस्थानों में ऐसे रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके।